एड्स अभिकर्ता के लिए LIC के किसी भी क्लब का सदस्य बनना एक प्रतिष्ठा और गर्व की बात होती है। इससे उसे अनेकों लाभ भी प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे LIC के DM क्लब मेंबरशिप के बारे में। इसे पाने के लिए उसे लक्ष्य बनाकर आवश्यक शर्तें 3 वर्ष लगातार पूरी करनी होती हैं। किसी क्लब के सदस्य बनने के लिए आपको सभी आवश्यक शर्तें लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक पूरा करना होगा, तब आप 4th ईयर में उस क्लब के सदस्य बन पाएंगे। इसके साथ ही आपकी पॉलिसियां लैप्स होने का प्रतिशत भी 15% से कम होना चाहिए। यदि आपका लैप्सेशन प्रतिशत 15% से अधिक है तो आप कभी भी क्लब मेंबर नहीं बन पाएंगे। लैप्सेशन आप तो 2 तरीके से कम कर सकते हैं। पहला, आप बंद पड़ी पॉलिसीज को फिर से स्टार्ट कराकर, और दूसरा नई पॉलिसी करके। किसी भी क्लब मेंबरशिप को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लब मेंबरशिप हमेशा इस साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 अप्रैल तक के समय को लेकर काउंट की जाती है। जैसे इस साल यह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ली जाएगी। DM क्लब मेंबरशिप के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, एक नए और एक पुराने एजेंट के लिए। नए एजेंट को लगातार 3 साल तक हर साल 80 लाइफ करनी होती हैं, 80 लाइफ करनी होती है। यहाँ मैं पॉलिसीज की नहीं, लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर आपने एक ही इंसान की 2 पॉलिसीज कर रखी हैं तो पॉलिसीज तो 2 की गई हैं, मगर लाइफ आपकी 1 ही काउंट होगी। मतलब आपको 80 नए लोगों के बीमे करने हैं और आपका फर्स्ट ईयर कमीशन 1,58,000 से अधिक होना चाहिए, और यह काम आपको लगातार 3 साल तक करना है। और 3 साल लगातार करते हैं तो 4th साल में आपको मंडल प्रबंधक क्लब के सदस्य आप बन जाएंगे। अब बात करते हैं पुराने एजेंट की। पुराने एजेंट को हर साल कम से कम 20 लाइफ्स लगातार 3 साल तक करनी होती हैं। साथ ही साथ आपकी कम से कम 250 लाइफ्स इन फोर्स होनी चाहिए, और इन 3 वर्षों में आपका फर्स्ट ईयर कमीशन कम से कम 63,000 और रिन्यूएबल कमीशन कम से कम 95,000 होना चाहिए। यानी टोटल कमीशन कम से कम 1,58,000 होना चाहिए, और यह काम आपको लगातार 3 साल तक करना है। अगर यह काम आप लगातार 3 साल तक करते हैं तो 4th ईयर में आपको DM क्लब मेंबरशिप में शामिल करने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका लैप्सेशन किसी भी साल 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह लैप्सेशन आप पुरानी पॉलिसीज़ को रिन्यूअल करा के या नई पॉलिसीज करके कम कर सकते हैं। करते हैं DM क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स की। नंबर 1 बेनिफिट, DM क्लब मेंबर्स को 12,000 रुपीज ऑफिस अलाउंस मिलता है जो डायरेक्ट एजेंट के अकाउंट में आता है। नंबर 2, क्लब मेंबरशिप में मेंबर्स को हर साल मोबाइल्स या टेलीफोन बिल्स के लिए 2,400 रुपीज मिलता है। नंबर 3, लेटर हेड एनवलप विजिटिंग कार्ड के लिए आपको 500 प्लस 150 रुपीज, बहुत से ऑफिसेज में तो ये आपको प्रिंट करके मिल जाता है, तब आपको इसके पैसे नहीं देने होते हैं। नंबर 4, सेल्स प्रमोशन में गिफ्ट के लिए आपको हर साल 1,000 रुपीज मिलता है। नंबर 5, आपको ट्रेन में 2nd क्लास AC का टिकट अलाउंस मिलता है। नंबर 6, अगर आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आपको ऑफिस खोलने के लिए LIC की तरफ से ऑफिस इक्विपमेंट लोन भी मिलता है, जिससे आप अपने पसंद का अच्छा ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। 7, LIC की तरफ से आपको इंटरेस्ट फ्री 2-व्हीलर लोन भी मिलता है। इस लोन में आपको अपने लास्ट 2 ईयर कमीशन का 75% ही लोन दिया जाता है। यह लोन आपको इंटरेस्ट फ्री दिया जाता है, और यह लोन आपके फ्यूचर के कमीशन से काट लिया जाता है। नंबर 8, आपको हर साल फेस्टिवल एडवांस 20,000 तक का मिलता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। आप किसी भी त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा, ईद, होली, दीपावली आदि पर इसे ले सकते हैं। बाद में आप इसे अपने कमीशन से भी कटवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज, आपको 2,50,000 तक का फ्री ग्रुप टर्म इंश्योरेंस 69 साल की उम्र तक मिलता है। नंबर 10 इज, आपको 1,00,000 तक का ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस 85 वर्ष तक की उम्र तक मिलता है। नंबर 11, आपको 9 से 11 लाख तक का हाउसिंग लोन 5% इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। तो ये थे बेनिफिट्स DM क्लब के। थैंक यू।